तो दोस्तों आपको पता होगा YouTube पे वीडियो क्वालिटी था कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन यार उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ज़्यादा जरूरत होता है वो यहाँ पे वॉइस क्वालिटी का होता है। अब अगर देखो आपको अगर कुछ भी YouTube पे वीडियो बना रहे हो, लाइक नॉलेज दे रहे हो या फिर एंटरटेन कर रहे हो, दोनों में कोई से भी एक चीज़ का, तो फिर जो भी व्यूअर होगा जो भी ऑडियंस होगा वो आपका सिर्फ फेस देखने तो आएगा नहीं। अभी अगर नॉलेज दे रहे हो तो आपकी जो नॉलेज होगी वो सिर्फ आपके वॉइस के थ्रू उसके पास ट्रांसफर होगी ना। अगर वो आपकी वीडियो को देख रहा है अगर उसको आपकी वॉइस ही अच्छे से समझ नहीं आ रही है तो आपकी वीडियो को वो क्यों देखेगा, वो कोई और वीडियो देखेगा, क्योंकि YouTube पे वीडियो की कमी नहीं है और वो किसी और भी वीडियो को देख सकता है। इसलिए गाइस कहता हूँ आपकी अगर वॉइस अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है, क्रिस्प नहीं है और आपकी वीडियो में नॉइज आ रहा है, तो आप अपनी वॉइस को अच्छे तरीके एडिट करके भी अपनी वॉइस को अच्छे तरीके सुधार सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको बता दूं कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका जो आवाज होता है वो मोटा होता है, कुछ लोगों का जो आवाज वो पतला होता है, तो गाइस आप सिर्फ एडिटिंग की वजह से अपनी जो वॉइस को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपका आवाज मोटा है मतलब कि ज्यादा बेस है तो आप उसको मतलब कि एडजस्ट भी कर सकते हो, अपनी जो वॉइस में से नॉइज भी हटा सकते हो। और इसके साथ साथ ये जो सारा कुछ हम करने वाले हैं सिर्फ हम मोबाइल फोन से ही करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं सिस्टम। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, वीडियो में अगर पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मैं ये तो बता ही दूंगा कैसे गाइस आपको अपना जो वॉइस को एडिट करना है, लेकिन यार वहीं पे सबसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर गाइस आप इस पॉइंट को नहीं समझते हो तो गाइस आप अपनी वॉइस को कितना भी एडिट कर लेना उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब यार यहाँ पे जो मेन पॉइंट को आप अच्छे तरीके समझ लोगे उसके बाद अपनी वॉइस को एडिट करोगे तो आपकी जो वॉइस में चार चांद लग जाएंगे, आपकी जो वॉइस काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको अपनी आवाज को अगर मधुर और सुरीला बनाना है ना तो एडिटिंग से पहले आपको अपनी जो वॉइस को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना आना चाहिए। अब गाइस कुछ लोग होते हैं अपने वॉइस को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको रिकॉर्ड करना नहीं आता। काफी लोग होते हैं उनके पास माइक होता है फिर भी अच्छे तरीके से वो यूज नहीं करते। अब वो क्या करते हैं कि अपने माइक को अपने हाथ में पकड़कर ऐसे अपने फेस के पास लाकर अपने जो वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो अगर आपके पास माइक है तो आपको यहाँ पे अपने सिर्फ कॉलर पे ये जो माइक को लगाना, मतलब कि कॉलर माइक ही होता है, आपको कॉलर पे लगाकर अपने जो वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहिए। और कैसे आपको बता दूं आपको अपने जो हाथ में पकड़ कर ऐसे माइक को रिकॉर्ड नहीं करना है, काफी लोग ऐसे गलती करते हैं बट आपको नहीं करना है। इससे कैसे होता क्या है कि आपको यहाँ पे जो आप बोलते हो मतलब कि स्पीक करते हो अपने वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त, आपको जैसे मुंह से ना जब बोलते हो तो वहाँ पे आपको कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं, कुछ हवा होते हैं जो हम बोलते हैं तो हवा निकलता है मुंह से, तो वो हवा होता है वो माइक के पास टकराता है और वो यहाँ पे जो एक नॉइज का रूप ले लेता है, मतलब कि आपके वॉइस के जो बैकग्राउंड में एक नॉइज बन जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, काफी लोग ऐसा गलती करते हैं। तो अभी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेने के बाद अभी कैसे चलते हैं हम यहाँ पे वॉइस को एडिटिंग करने। तो कैसे चलते हैं मल्कि स्क्रीन पर आपको सब कुछ एडिटर बताते हैं। तो कैसे हम आ चुके हैं यहाँ पे लेक्सिट ऑडियो एडिटर के ऐप में। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको परमिशन देना होता है। तो कैसे यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है, एलो कर देना। ओके तो यहाँ पे आप परमिशन देते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो कैसे देखो यहाँ पे होता क्या है कि आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो, यहाँ पे रिकॉर्ड करके उसे एडिट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपने किसी ऐप से रिकॉर्ड कर रखा है तो आप इसमें सिंपली इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं इंपोर्ट करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने जो वॉइस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है, तो सिंपली मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको अपना जो यहाँ पे मतलब कि फोल्डर ढूंढ लेना है और आपको जिसमें आपने फोल्डर में सेव किया था अपना जो वॉइस को आपको ढूंढ लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो टेस्ट वॉइस फॉर यूट्यूब मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको यहाँ पे सिंपली ओपन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखो हमारा जो वॉइस आ चुका है। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे जो यहाँ पे दो स्टिक देखने को मिल जाते हैं, जैसे एक ये स्टिक और एक यहाँ पे लास्ट में एक ये स्टिक। अभी गाइस इन दोनों स्टिक की मदद से आपने वॉइस के कुछ पार्ट्स को यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो, जैसे कुछ भी पार्ट में अगर गलत बोला आपने, गलत वर्ड बोल दिया तो आप उसमें यहाँ पे ट्रिम भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इफेक्ट पे जाना। ओके इफेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है नॉर्मलाइज का, तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज पे आना है। अभी इसी जो फीचर क्या है मतलब कि आपका अगर वॉइस में कहीं ज़्यादा आपने तेज बोला है कहीं आपने स्लो बोला है तो यहाँ पे नॉर्मलाइज का अप्लाई करते ही आपका जो वॉइस एकदम से अलाइन हो जाएगा, मतलब कि आपको जहाँ पे आपने स्लो बोला था वो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा, मतलब कि तेज आवाज में हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे आपने ज़्यादा तेज बोला वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मलाइज कर सकते हो, नॉर्मलाइज पे क्लिक करते ही आपको जो वॉइस नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो हमारे जो वॉइस है काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। अभी कैसे इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड फीचर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट पे जाना वापस और यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज के नीचे आपको रिवर्स मिल जाता है, तो आपको रिवर्स यूज नहीं करना, आपको जो सारा वॉइस होगा उल्ट पुल्ट हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसके बाद आपको चेंज पिच, चेंज टेम्पो, चेंज स्पीड, नॉइज रिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ये जो चेंज टेम्पो स्पीड पिच वगैरह को आपको यूज नहीं करना, चाहो तो कर सकते हो बाकी यूज नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो फीचर यूज करना है वो यहाँ पे नॉइज रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको नॉइज रिडक्शन का फीचर देखने को मिल जाता है। तो ये जो यहाँ पे नॉइज रिडक्शन काफी ज्यादा हेल्पफुल फीचर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपके अगर वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त आपके जो वॉइस में नॉइज ऐड हो रहा है, मतलब कि नॉइज रिकॉर्ड होते जा रहे साथ साथ, तो आप अपने वॉइस में से इस नॉइज रिडक्शन का फीचर को यूज करके अपने जो वॉइस में से नॉइज को हटा सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। तो आपको अपने जो नॉइज
सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से थ्रेशोल्ड रेट अटैक वगैरह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको प्ले का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आप यहाँ पे सेटिंग वगैरह अच्छे तरीके से कर लो, मतलब कि आपको पहले देख लेना है कि भाई हमारे जो वॉइस में से सारे जो नॉइज रिकॉर्ड मतलब कि रिड्यूस हो चुके हैं, तो उसके बाद आपको प्ले करके देख लेना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो अगर आपका पहले से अगर आपके जो वॉइस में नॉइज नहीं है तो आप इस फीचर को यूज़ मत करना, आपका जो वॉइस में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, मतलब कि आपके जो वॉइस में क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो आप इसमें चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके नॉइज है आपके जो रिकॉर्डिंग में तो आप इसे अप्लाई करना, वरना मत करना। ओके, तो मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है इक्वलाइजर एम्पलीफायर का, मतलब कि ये जो फीचर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों का होता है कि उनका जो आवाज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, मतलब कि बेस होता है, और काफ़ी लोगों का होता है कि वो पतला आवाज़ होता है। तो यहाँ पे होता है क्या है कि उनका जो आवाज़ को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको मोटा आवाज़ है तो उसे आप पतला कर सकते हो, अगर आपको पतला आवाज़ है तो मतलब कि उसमें थोड़ा बेस बढ़ा सकते हो, उसे मोटा भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको इक्वलाइजर पे क्लिक करना है। तो ये देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा सेटिंग देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको प्रॉपर सेटिंग करके तो नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक पर्सन का वॉइस अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने वॉइस को ही अपने पहचानना है कि आपका वॉइस कैसा है, पतला है या फिर मोटा है, उसके हिसाब से आपको सेट करना है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कैसे, अगर आपका जो वॉइस मोटा है तो आप उसे कैसा पतला कर सकते हो, अगर आपका जो वॉइस पतला है तो आप उसे कैसा मोटा कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो एरो वगैरह मिल जाता है, आप इसको ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सारा एरो मिल जाता है। अभी यहाँ पे आपको ये जो एरो को अगर नीचे करोगे ना तो आपका जो वॉइस मोटा होता रहेगा, अगर आप इसको ऊपर करोगे तो आपका जो वॉइस है वो पतला होता रहेगा। तो मैं अपने जो वॉइस के मतलब कि अपने वॉइस के हिसाब से मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर वाली साइड हल्का हल्का कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको अच्छी तरीके से सेट कर लें, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे आपको कर लेना। ओके, थोड़ा थोड़ा मतलब कि बढ़ा लेना है। तो आपको अपने जो वॉइस के हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। इसी वजह से आपको यहाँ पे प्ले पे क्लिक करके आपको देख लेना है कि आपका जो वॉइस अच्छे तरीके से मतलब एडिट हो चुका है, उसके बाद ही आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके, जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ तो इसे भी देख सकते हो, मैं इक्वलाइजर का यहाँ पे लग चुका अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको फिर से थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ पे फिर से इफेक्ट पे जाना। ओके, तो जब भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिले इक्वलाइजर के बिल्कुल नीचे इको का, तो इस इको अगर आप मोटिवेशन वीडियो बनाते हो तो आप इको का यूज कर सकते हो, बाकी ज़्यादा जरूरत नहीं होता। इसके बाद रिवर्ब है, रिकॉर्डर है, ये आपके काम का नहीं। ओके, तो इसे भी इस जो यहाँ पे इसको सेव कैसे करना है तो आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मतलब कि टेस्ट वॉइस पर मतलब कि टाइटल डाल सकते हो अपने वीडियो के हिसाब से। यहाँ पे आपको डॉट MP4 मिलता है, मतलब कि यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाता है, मतलब कि जिस भी फॉर्मेट में आप अपना वो उसको सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर MP3 में अगर रिकॉर्ड करते हो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट यार MP3 में रिकॉर्ड मतलब कि सेव करने के लिए आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। तो इसके इससे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पे WAV है, मतलब कि जो यहाँ पे WAV है ना, ये फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, इसमें आपको वो उसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइटल लिख के यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो फॉर्मेट रहेगा वो यहाँ पे आपको WAV सेलेक्ट करना है, एंड इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो हमारे यहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से सेव हो चुका है, तो हम चलते हैं वापस फेस कैम पे। तो आई होप आप इस तरीके से समझ चुके कैसे कैसे आपको अपने जो वॉइस को एडिट करना है, मतलब कि रिकॉर्ड और एडिट आपको कैसे करना है, तो आपको सब कुछ समझ आ चुका। तो बस यार वीडियो को लाइक करना एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।